बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। मेरा नाम है शुभेंदु पांडे। आईपीएल का फाइनल मुकाबला आपने देखा होगा। फाइनल के बाद एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें दीपक चहर एमएस धोनी के पास ऑटोग्राफ के लिए जाते हैं, लेकिन एमएस धोनी वहां पर मना कर देते हैं। और ये अंदाज जो होता है थोड़ा मजाकिया लहजे वाला होता है एमएस धोनी का। उसके पीछे का रीजन ये होता है क्योंकि मुकाबले में दीपक चहर ने थोड़ी सी गलती कर दी थी, उन्होंने कैच छोड़ दिया था। और एमएस धोनी को मुकाबले के अंदर कोई भी गलती पसंद नहीं है। और कहीं ना कहीं उनकी जो स्पेशल बॉन्ड भी होता है जिन खिलाड़ियों के साथ, उनके इस तरीके के गेस्चर जो है वो वायरल होते रहते हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसा बयान है एमएस धोनी का जो उन्होंने दीपक चहर को लेकर ही कहा, और ये बयान अपने आप में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। अब आते हैं दरअसल उस खबर पर। मौका था एमएस धोनी की जो नई प्रोडक्शन कंपनी है धोनी प्रोडक्शन, वो एक मूवी लॉन्च कर रही थी, मूवी तमिल मूवी थी। ऐसे में उनसे दीपक चहर को लेकर सवाल पूछा गया, जिसको लेकर एमएस धोनी ने जो जवाब दिया वो आपको हम दिखाते हैं। एमएस धोनी ने कहा कि दीपक चहर ड्रग की तरह है, यदि वो आपके पास नहीं हो तो आप सोचेंगे कि वो कहाँ है, यदि वह आपके पास है तो सोचेंगे कि वह यहाँ क्यों नहीं है। अच्छी बात यह है कि वह मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि वह इसके लिए समय लेता है। अपने जीवन काल में शायद मैं उसे मैच्योर नहीं देख पाऊंगा, ये कहना है यहाँ पर एमएस धोनी का दीपक चहर को लेकर। वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि अभी दीपक चहर उतने मैच्योर नहीं हुए हैं, वो थोड़ी बहुत जिस तरीके से गलतियां कर देते हैं, तमाम उनके कुछ तरीके से जो हम हरकतें भी दे रखी है, जो उनकी बॉन्डिंग हमने देख रखी है, इसको लेकर उन्होंने बात कही कि शायद उनको लग रहा है कि अब वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। ये बॉन्ड भी दिखाता है कि दीपक चहर का एमएस धोनी के साथ जो उनका बॉन्ड है किस लेवल का है, कि दोनों एक दूसरे के बारे में इस तरीके की बातें करते रहते। और साफ तौर पर हमने देखा था कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दीपक चहर का भी आया था, जिसमें दीपक चहर ने भी बोला था कि उनको जो शुरुआत में अगर आप देखा जाए तो जिस तरीके से दीपक चहर गेंदबाजी करते थे वो शुरुआत के ओवरों में गेंदबाजी करते थे, लेकिन एमएस धोनी ने उनको भरोसा जताया और उनको डेथ ओवरों में भी गेंदबाजी करने के लिए भेजा। उनसे बोला कि तुम अच्छे यॉर्कर डाल सकते हो, यानी कि उनको भरोसा दिलाया तुम एक डेथ स्पेशलिस्ट भी अच्छे बन सकते हो। तो वहां पर हमने देखा दीपक चहर ने अच्छी गेंदबाजी डेथ ओवरों में भी की, लेकिन जब उन्होंने गलतियां की वहां पर एमएस धोनी ने उनको डांट भी लगाई, जिसको दीपक चहर ने एक्सेप्ट भी किया। जब उन्होंने एक मुकाबले में दो बीमर डाल दिए वहां पर एमएस धोनी आते हैं, उनको डांट भी लगाते हैं। तो ये बॉन्ड है एमएस धोनी, अगर आपसे प्रेम कर रहे हैं तो आपका समर्थन भी जबरदस्त करते हैं, लेकिन आपकी गलती पर वो मैदान के बीच में ही डांट देते हैं। कभी वो कुछ बाद में कह देते हैं या फिर कभी वो थोड़ी सी एक आपकी तरफ देख लेते हैं, बस खिलाड़ी समझ जाता है कि एमएस धोनी कुछ कह रहे हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए दीपक चहर के करियर की, तो फिलहाल बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि उनकी फिटनेस को लेकर उनके साथ उनकी जो फिटनेस है वो नहीं दे पा रही। आईपीएल के कुछ मुकाबलों में वो खेले, बाद में वो बाहर हो गए, इसके बाद से लगातार वो परेशानी से जूझ रहे हैं। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम का ऐलान किया गया, T20 मुकाबले के लिए टीम का ऐलान हुआ, इसके अलावा ODI मुकाबले के लिए टीम का ऐलान हुआ, लेकिन दीपक चहर की जगह कहीं नहीं बन पाई। वजह यही रही है फिटनेस, अभी भी अपने फिटनेस पर काम कर रहे हैं, लगातार NCAA में दीपक चहर को देखा जा सकता है। और लेकिन उम्मीद करेंगे कि दीपक चहर जल्दी से फिट हो जाए और टीम इंडिया के लिए वापसी करें, क्योंकि टीम इंडिया में अभी भी गेंदबाजों की कमी है और दीपक चहर जैसा गेंदबाज जो आपको शुरुआत में भी विकेट निकाल कर दे सकता है और साथ ही आपको आखिरी ओवरों में भी विकेट निकाल कर दे सकता है। बाकी आपको क्या लगता है धोनी का जो दीपक चहर के साथ ये स्पेशल बॉन्ड है, इसको आप कैसे देखते हैं और आपको दीपक चहर कैसे गेंदबाज लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।